Hello everyone. Now in this video, we will solve the KVS PGT Computer Science 2013 question paper. तो इस वीडियो के अंदर हम KVS PGT का 2013 का जो question paper है, उसको solve करने की कोशिश करेंगे और हर एक options के लिए हम check करेंगे कि solutions क्या है और वो solutions कैसे आए. अब ये जो PPT है, यानी कि जो presentation है, इसको आप हमारी जो website है www.digimentor.com, मैं वेबसाइट को यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे. तो वेबसाइट है www.digimentor.com, सो digimentor.com. तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इस प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो वहाँ पर आपको इसकी पीपीटी की पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी. तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, एक तरीके से आप पीपीटी को भी रेफर करेंगे तब भी आप पूरे क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर लेंगे. अब इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वो 2017 केवीएस पीजीटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर था. अब इस वीडियो के अंदर हम 2013 केवीएस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. अब जो पहला क्वेश्चन है टेक्निकल सेक्शन में, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पहले जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा अलग था और इस बार पैटर्न एग्जामिनेशन के पैटर्न में थोड़े से चेंजेस आए हैं. तो पहले आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 100 आपके पास नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते थे और उसी तरीके से 100 आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस आते थे. अब जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसको जो दूसरी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, वो सभी आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देंगे, लेकिन मेरा काम है आपको टेक्निकल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देना. और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस काम के साथ जजमेंट कर सकूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से अच्छे तरीके से समझा दूँ कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे हैं और क्यों हैं. लेकिन जिन बच्चों ने हमारे कोर्सेज लिए हुए हैं उन सभी केसेस में हमने ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक टॉपिक को हमने थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं या उनको बाय करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाइए www.digimentor.com और वहाँ से आप जाकर कोर्सेज को बाय भी कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन है, When the object making the sound is moving towards you, the frequency goes up due to the waves getting pushed more tightly together. The opposite happens when the object moves away from you and the pitch goes down. And this phenomena is called as which of the following? अगर इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो हिंदी में बोलते हैं, जब कोई लक्ष्य ध्वनि उत्पन्न करता हुआ आपकी ओर गतिमान हो तब तरंगों में परस्पर अधिक कसावट पूर्ण दबाव होने के कारण आवृत्ति उच्चतर होती जाती है. इसका विपरीत तब होता है जब लक्ष्य आपसे दूर गतिमान हो तथा पिच निम्नतर होने लगती है. यह घटना क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास बैंडविड्थ, दूसरा है हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट, तीसरा है हमारे पास साउंड रिफ्रैक्शन और चौथा है हमारे पास वाइब्रेशन. तो आगे बढ़ने से पहले हम ये चेक करते हैं कि ये सभी ऑप्शंस एग्जैक्टली है क्या, और ताकि आपको पता चल जाए कि चारों ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, चारों ऑप्शंस कहना क्या चाहते हैं, जिससे कि आप बता सके कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. अब जो सबसे पहला इफेक्ट आपको दिया गया था वहाँ पर वो है डॉपलर्स इफेक्ट. अब देखिए डॉपलर्स इफेक्ट होता क्या है, जब एक गाड़ी मूवमेंट कर रही होती है, जैसे कि आपके पास एक वैन है, वैन जब आपकी मूवमेंट कर रही होती है तो जिस डायरेक्शन में वैन मूव कर रही है उस डायरेक्शन में जो साउंड वेव्स हैं उन साउंड वेव्स की जो डिस्टेंस है वो कम होती है, और जिस डायरेक्शन को छोड़कर जा रही है वहाँ पर जो साउंड वेव्स की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है. तो इस वजह से होता है कि अगर एक वैन के आप पिछली साइड पर खड़े होंगे, बैक साइड पर खड़े होंगे, तो आपको जो साउंड है वो काफ़ी दूर तक सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उसके अगली तरफ खड़े होंगे तो जो साउंड है वो आपको कम सुनाई देगी. ऐसा इस वजह से बिकॉज वैन की जो अगली साइड है वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और जब फ्रीक्वेंसी साउंड की ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण आपको जो साउंड है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है. देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वो जो चीज़ है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी लो होती है तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है. जैसे कि सबसे ईजी एग्जाम्पल है हमारे पास रेडियो. अब रेडियो जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि जो पीरियड होता है ये वाला,
तो रेडियो के केस में वो जो पीरियड होता है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली 1 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है। तो इसी वजह से जो रेडियो वेव्स है वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डॉपलर इफेक्ट? एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट और अदर वेव्स एज अ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर, द इफेक्ट कॉज्ड द सडन चेंज इन पिच नोटिसेबल इन पासिंग सायरन एज वेल एज द रेड शिफ्ट सीन बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। सो बेसिकली इट इज़ अकॉर्डिंग टू कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो साउंड वेव है उनकी जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, उससे हमारा जो डॉपलर इफेक्ट है वो उसको कवर करता है। ठीक है, सो डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग चुका है, व्हाट एग्जैक्टली इज डॉपलर इफेक्ट। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए, रिफ्रैक्शन जो है हम साउंड में भी हम रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, इसके अलावा लाइट में भी रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। जब आपने देखा होगा जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक मिराज होता है। मिराज यानी कि आपको रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि पानी है या फिर पानी का तालाब है काफ़ी डिस्टेंस पर, बट एक्चुअल में कोई तालाब या पानी नहीं होता। ऐसा इस वजह से क्योंकि वो एक रिफ्रैक्शन है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से, जो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही होती है, जिससे एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे आपको लगता है कि हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस या दूरी पर पानी है। तो उसी तरीके से जो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है वो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स का मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि जैसे अगर आप एक वार्म एयर के अंदर है या कूल एयर के अंदर है, अगर आपने मैसेज आपने सेंड किया जब आप वार्म एयर में थे और जब वो मैसेज आ रहा है कूल एयर के अंदर, तो कूल एयर के अंदर जो साउंड है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द एयर अगर साउंड अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ वेव्स इज अकम्पेन्ड बाय द चेंज इन स्पीड एंड वेव लेंथ ऑफ द वेव्स। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो आपके पास साउंड है, साउंड बेसिकली एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और अकॉर्डिंग टू आपके पास एयर किस तरह की है, एयर आपकी कूल है या फिर एयर आपकी वार्म है, उसके अकॉर्डिंग जो साउंड है उसके अंदर वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आते हैं। और जब साउंड के वेवलेंथ के अंदर चेंजेस आएंगे उसी तरीके से जो साउंड है वो अपनी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करती है, जिससे आपको थोड़ा सा लगता है कि आवाज़ या तो बहुत दूर से आ रही है या फिर आवाज़ बहुत पास से आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो होता है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन तो हम सबको पता है वाइब्रेशन होता क्या है। तो वाइब्रेशन इज अ मैकेनिकल फिनोमेना वेयर ऑसिलेशंस ऑकर अबाउट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो बेसिकली हम शेकिंग को हम वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर कार्टून बनाया गया है। इस कार्टून में आप देख रहे हैं कि ये एक ह्यूमन है जो एक पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है एक मशीन से, और ये जो मशीन है ये मशीन यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है। तो मशीन जो पत्थर को तोड़ती है वो वाइब्रेशन की हेल्प से तोड़ती है। तो अब आपको क्लियरली पता है वाइब्रेशन भी होता क्या है। अब यहाँ पर जो सबसे लास्ट हमें एक्सप्लेनेशन बचा है इसमें चारों ऑप्शंस में से, वो है हमारे पास बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं तो मुझे लगता है कि आपको बैंडविड्थ पहले से ही पता होगा। सो बैंडविड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विद इन अ गिवन बैंड इन पर्टिकुलर दैट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल। यानी कि अगर मैं आपको कुछ फ्रीक्वेंसी की रेंज देता हूँ, तो आप अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आपके पास जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं आप इसी फ्रीक्वेंसी की रेंज के बीच में से कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके पास अगर वीडियो भी आप देख रहे हैं तो वीडियो आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं, और इंटरनेट में जब आप स्पीड, जब वो लोग पूछते हैं कि आपकी स्पीड क्या है, तो बेसिकली उस टर्म में उस टाइम पर आप अपने इंटरनेट की बैंडविड्थ बताते हैं कि आपके पास 10 MBPS स्पीड है या फिर 100 MBPS स्पीड है, किस तरह की स्पीड है। तो ये जो स्पीड है 10 या 100, ये सब बेसिकली आपकी बैंडविड्थ है कि आपके नेटवर्क में एक टाइम पर आप कितने बिट्स को पर सेकंड आप सेंड कर सकते हैं, तो ये बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ के बारे में भी आपको पता है। अब आप वापस आइए दोबारा अपने उसी क्वेश्चन पे और चेक कीजिए कि हमारे पास सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स यू एंड द फ्रीक्वेंसी गोज अप ड्यू टू द वेव्स गेटिंग पुश्ड मोर टाइटली। यानी कि जब ऑब्जेक्ट आपकी तरफ मूव हो रहा है तो जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो वेव्स है वो काफ़ी एक दूसरे के टाइटली कपल्ड हो जाती है, और जब वो दूर जाता है तो ये जो वेव्स है काफ़ी ओपन हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ये हमने क्लियरली अभी इस समय पर अभी देखा है, और इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जैसे हमें बिकॉज आई एम क्रिएटिंग वीडियोज़ ऑन एवरी डे बेसिस, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन जिन बच्चों ने वीडियोज़ नहीं बनाए हैं तो शायद आपको इस बारे में आइडिया ना हो. सो बेसिकली होता क्या है, दे आर आस्किंग वेन द स्क्रीन इज़ कम्प्लीटली डार्क वाइल द फिल्म इज़ इन मोशन, द कॉमर्शियल मोशन पिक्चर यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम्स. सो बेसिकली कॉमर्शियल मोशन पिक्चर में होता ऐसा है कि आपके पास एक कैमरा होता है, और कैमरा जो है वो बेसिकली लाइट प्रोजेक्ट करता है, और इस कैमरे के ऊपर इस तरीके से रील्स होती है, ठीक है. तो इस रील्स के अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ होती हैं, और ये जब लाइट जब किसी फ़ोटो पर पड़ती है तो वो जो फ़ोटो है वो स्क्रीन के ऊपर एक इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है. अब होता यह है कि जब हम मूवी को देखते हैं तो इस तरीके से इस रील के अंदर हम 24 फ्रेम्स पर सेकंड अगर हम इस रील को ट्रांसफ़र करते हैं, 24 फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जो इमेजेस यहाँ पर स्क्रीन पर बनेगी, हमें ऐसा लगेगा कि जो इमेजेस है वो मूविंग इमेजेस हैं, और उसमें मूवमेंट होती है, जैसे कि कोई ह्यूमन है वो डांस कर रहा है, कोई गाड़ी चल रही है. तो वो सभी एक्चुअली होता ये है कि हमें नेकेड आई से पता नहीं चलता कि हमें 24 फ्रेम्स को दिखाया जा रहा है एक सेकंड, यानी 24 फोटोज़ को एक सेकंड को हमें दिखाया जा रहा है. लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि एक स्टिल फोटो जो है उसको हम 24 टाइम्स दिखाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मूवमेंट हो रही है स्क्रीन के ऊपर. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड ही होता है. अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, मैंने ऑनलाइन काफ़ी जगह पर क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिली. लेकिन जो मुझे पता है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड ही है. अब होता ऐसा है कि जब हम इन फ्रेम्स को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 72 फ्रेम्स पर सेकंड, ऐसा इसलिए करते हैं जब आप अपनी मूवी या उसके अंदर कोई एक्शन दिखाना चाहते हैं, या फिर आप इसको बाद में स्लो मोशन यानी कि स्लोमो दिखाना चाहते हैं. तो अगर आप स्लो मोशन दिखाना चाहते हैं तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हाई फ्रेम्स पर सेकंड में, यानी कि जितना ज़्यादा FPS में हम वीडियोस को रिकॉर्ड कर सके, उतना ही हमारे लिए आसानी होगी. तो ताकि स्लो मोशन में जो मोशन है वो काफ़ी स्मूथ आए. तो हाई FPS में हम बेसिकली, यानी कि हाई फ्रेम्स पर सेकंड में हम स्लो मोशंस को शूट करते हैं, या फिर एक्शंस को शूट करते हैं. सो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड ही यूज़ करते हैं मोशन पिक्चर्स के अंदर, ठीक है. अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका इंटरनेट मैसेज कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल से है. अब रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो बनाया था कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, जहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, ओके. सो अब यहाँ पर देखो, हमारे पास है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. सो ICMP जो है, देखो मैंने इसके बारे में पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ICMP होता क्या है. तो जो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो वहाँ पर मैंने ICMP को डिस्कस किया था. अब बेसिकली जो ICMP है वो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है. हमारे पास अलग अलग लेयर्स है, जैसे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर. अब इसमें जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SNMP, DHCP, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पर हमारे पास प्रोटोकॉल है, जैसे कि SCTP, TCP एंड UDP, वेर UDP इज डेटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP इज ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड SCTP स्क्रीन स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल. सो नेटवर्क लेयर में हमारे पास 4 प्रोटोकॉल्स होते हैं, दैट इज IGMP, दैट इज इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ICMP, सो दिस इज मैनेजिंग एक्शन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, सो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. ICMP इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड वी हैव ARP, दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. सो नेटवर्क लेयर का जो सबसे बड़ा और जो मेन प्रोटोकॉल है वो हमारे पास IP प्रोटोकॉल है, लेकिन ये IP जो है वो बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी हेल्प लेता है. जैसे कि हमारे पास जो ICMP प्रोटोकॉल है, दैट हेल्प्स IP फॉर एरर डिलीवरी, आई मीन वेदर देयर सम काइंड ऑफ एरर इन द नेटवर्क. तो एरर है कि नहीं है उसको बताने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ICMP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. अब देखो होता कैसे है, ये काम कैसे करता है. अगर आपके पास एक होस्ट है, होस्ट ने एक IP पैकेट सेंड किया, और कोई पैकेट सेंड किया, और यहाँ पर एक नेटवर्क का एक टर्म होती है हमारे पास MTU, यानी कि मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट. सो जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर में हम बेसिकली MTU की बात करते हैं, और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, मेरे वीडियोस आपने फॉलो किए होंगे तो आपको MTU के बारे में भी पता होगा. अब एज्यूम करो होस्ट जो डेटा पैकेट सेंड कर रहा है और वो बता रहा है कि मेरा पास जो MTU है वो हमारे पास 1000 bytes का है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पैकेट जो है वो फ्रेगमेंट हो. तो उस केस में अगर लेट अस से इस नेटवर्क के अंदर जो मैक्सिमम ट्रांसमिटेबल यूनिट है वो 200 की है, और होस्ट ने बोला है कि आई डोंट वांट द मैसेज टू गेट यू नो फ्रेगमेंटेड,
तो उस केस में हम एक एरर मैसेज जो है होस्ट को बताएंगे और वो जो एरर मैसेज है उसको आईसीएमपी सेंड करेगा। अब आईसीएमपी जो है वो कई तरह के एरर मैसेजेस को सेंड करता है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं फॉर्मेट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फॉर्मेट क्या है, देखो आईसीएमपी मैसेज जो है वो अलग अलग टाइप के मैसेज वो सेंड कर सकता है। अगर टाइप ज़ीरो का मतलब है इको रिप्लाई, अगर आईसीएमपी में हमने टाइप थ्री लिखा है यानी कि जो डेस्टिनेशन है वो रीचेबल नहीं है, ऐसी टाइप फोर है यानी कि सोर्स क्विंच यानी कि सोर्स जो है वो नेटवर्क से हट गया है, टाइप फाइव का मतलब है रिडायरेक्शन, टाइप एट का मतलब है इको रिक्वेस्ट, टाइप इलेवन का मतलब है टाइम एक्सीड, जैसे टीटीएल एक्सीड जिसको हम बोलते हैं टाइम टू लिव एक्सीड, यानी कि एक टीटीएल टाइम टू लिव तक एक पैकेट जो है वो रिसीवर के पास नहीं पहुँचा, टाइप 12 का मतलब पैरामीटर अन इंटेजिबल, एंड टाइप 13 का मतलब है टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट एंड सो ऑन। सो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के आईसीएमपी मैसेजेस होते हैं। अब जो आईसीएमपी मैसेज है वो बेसिकली किस तरीके से काम करेगा कि हमारे पास एक आईपी डेटाग्राम होता है। अब बेसिकली होता यह है कि हम एक सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर के पास एक आईपी पैकेट सेंड किया, आईपी पैकेट का मतलब है आईपी डेटाग्राम पैकेट। अब इस आईपी पैकेट के बेसिकली दो पोर्शंस होते हैं, पहला पोर्शन है हमारे पास हेडर और दूसरा पोर्शन है हमारे पास पेलोड। सो हेडर जो है आईपी का जो हेडर है वो यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज़ द आईपी हेडर। तो आईपी के हेडर के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है, अगेन जो मैंने प्रीवियस कम्युनिटी नेटवर्क्स के वीडियोस बनाए थे वहाँ पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को थॉरली कवर किया हुआ है। तो इन हेडर्स में हमारे पास एक फील्ड होती है वर्जन, टाइप ऑफ सर्विस, लेंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी फील्ड। तो हम हर एक फील्ड को बहुत डिस्कस डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब लेट अस से कि ये जो पैकेट है वो रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ, देयर इज सम काइंड ऑफ एरर। तो उस केस में हम एक आईसीएमपी मैसेज जो है वो आईपी को दोबारा से सेंड करेंगे और उस आईसीएमपी मैसेज को बेसिकली हम आईपी पैकेट के थ्रू ही भेजते हैं। तो आईपी पैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर एक हेड आईपी का हेडर यूज़ करेंगे और उसके अंदर यहाँ पर हम लोग ने ये जो आईसीएमपी पैकेट है इसको हमने इंक्लूड किया। अब आईसीएमपी पैकेट के अंदर होगा टाइप ऑफ मैसेज कि किस तरह का मैसेज है, जैसे कि जो कोड है मैसेज का वो हमने यहाँ से चेक किया था कि होस्ट अनरीचेबल या किस तरीके का चेकसम, हेडर डेटा, पेलोड, यानी कि जब आपने ओरिजिनल मैसेज को सेंड किया था उस समय पर ओरिजिनल मैसेज का जो हेडर था वो क्या था। तो इस हेडर को हम आईसीएमपी मैसेज के अंदर हम लोग डाल देंगे, तो जो हमारा आईसीएमपी मैसेज है उसके अंदर हम इस हेडर को डाल देंगे और तो ताकि ओरिजिनल हेडर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और जो पेलोड डेटा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल देंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शनल है, तो जिससे बेसिकली जो सेंडर है वो ये बता पाए कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से मेरा मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखिए जो आईसीएमपी हेडर है उसके अंदर हमारे पास पहली फील्ड होती है हमारे पास टाइप, दूसरी कोड, तीसरी चेकसम और फिर अदर मैसेज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब टाइप में जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं टाइप हमारे पास किस तरह की है, इको रिप्लाई है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, उसके अंदर है नेट अनरीचेबल है, होस्ट अनरीचेबल है, नेटवर्क अनरीचेबल या फिर होस्ट अनरीचेबल या फिर प्रोटोकॉल अनरीचेबल या फिर पोर्ट अनरीचेबल या फिर फ्रेगमेंट अनरीचेबल, कौन अनरीचेबल है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देते हैं। उसके अलावा कोड के अंदर क्या है हमारे पास, क्या सोर्स पिंच हो चुका है, क्या रिडायरेक्ट है या डेस्टिनेशन अनरीचेबल है या किस तरह का है वो हम लोग कोड के अंदर भेजेंगे। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे चेकसम है वो बेसिकली एरर करेक्शन के लिए है और इस तरह की जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आईसीएमपी पैकेट के अंदर सेंड करते हैं। तो आईसीएमपी पैकेट का बेसिकली मेन काम क्या है कि जब भी आपके पास कुछ एरर आता है नेटवर्क में जिसके थ्रू जैसे आप मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे तब आप आईसीएमपी पैकेट सेंड करते हैं। अब आईसीएमपी पैकेट में आप चेक कीजिए, देखिए पहला ऑप्शन है ऑलवेज अलाउज गेटवे टू सेंड एरर कंट्रोल मैसेज टू अदर गेटवेज और होस्ट, दिस इज करेक्ट। सेकंड इज प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन द आईपी सॉफ्टवेयर ऑन वन मशीन टू द आईपी सॉफ्टवेयर ऑन अनदर मशीन, सो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द नेटवर्क लेयर और नेटवर्क लेयर में हमारे पास जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल है बेसिकली जो हमारे पास आईसीएमपी मैसेज है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को हेल्प करने के लिए बना होता है, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन नंबर थ्री है ओनली रिपोर्ट्स एरर कंडीशंस टू द ओरिजिनल सोर्स, यानी कि जहाँ जिसने मैसेज सेंड किया है ये उसको बताएगा कि एरर क्यों ऑकर हुआ है, कहाँ से ऑकर हुआ है, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सभी इन्फॉर्मेशन ये बताएगा और जो सोर्स अब ये उसका काम है कि उस एरर को कैसे करेक्ट किया जाए। तो आईसीएमपी पैकेज जो है वो एरर को करेक्ट नहीं करता बट रेदर ये सिर्फ ये बताता है कि एरर कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है। तो ऑप्शन नंबर थ्री भी ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहना चाहते हैं।